वेलकम अगेन ऑन द चैनल। तो 2017 का क्वेश्चन पेपर हम कर चुके हैं, 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पार्ट वन हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट टू के जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट फेरोमोन्स। फेरोमोन्स जो होते हैं उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है वो बतानी है, ठीक है। फेरोमोन्स वो होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो रिलीज़ करते हैं, और इनके थ्रू हमारे जो प्रीडेटर्स वगैरह होते हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है। अब देखो, फेरोमोन्स को अर्लियर हम एक्टो हॉर्मोन्स ही बोलते थे, ये राइट है। ये कम्युनिकेशन के लिए केमिकल्स हैं जो कॉन्स्पीसीज, मतलब जो आपस में कोई भी दो स्पीसीज होती हैं वो यूज़ करती हैं, तो ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करती हैं और एक केमिकल मैसेंजर्स हैं। द प्रोडक्शन ऑफ फेरोमोन्स मे बी अलोंग विद द स्लाइवा। स्लाइवा से भी फेरोमोन्स को रिलीज़ किया जा सकता है, यूरिन से भी किया जाता है और फिसिस से भी। तो अमंग वर्टिब्रेट्स फेरोमोन्स आर नॉट रिसीव्ड बाय नेजल एपिथेलियम। तो ये यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, मतलब राइट, ये आंसर राइट है लेकिन ये इसका आंसर है, वैसे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे रिसीव हम नेजल एपिथेलियम से ही करते हैं, जो हमारी ऑल फैक्ट्री यानी जो हमारी नेजल होती हैं, ठीक है। ऑल फैक्ट्री जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनके थ्रू ही हम रिसीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटानेफ्रोज किडनी फॉर्म फ्रॉम द, देखो मैंने बताया था ना क्वेश्चन कहाँ से ऑरिजिन से आते हैं, कि आपकी जो किडनी है, कोई भी जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो मेटा है, किस मतलब जो हमारी जो लेयर होती है, तीन लेयर्स होती हैं ना, जैसे बाहर वाली एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, इनमें से किस लेयर से हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ऑरिजिन से, तो यहाँ पे पूछा है जो मेटानेफ्रोज किडनी होती है वो किससे बनी होती है, तो वो हमारे पोस्टीरियर एंड ऑफ नेफ्रोजेनिक मेसोडर्म से बनी होती है, मेनली जितनी भी मसल्स होती हैं ना हमारी मेसोडर्म से बनी होती हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम पीएच ऑफ आर्जिनेज एंजाइम इज। आर्जिनेज एंजाइम क्या होती है, जो हमारी यूरिया साइकिल होती है, या फिर जिसको हम ऑर्निथाइन साइकिल भी बोलते हैं, उसके अंदर ये एंजाइम हमारी यूज होती है, तो इसका पीएच होता है 9.7। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्सक्लूसिवली रिप्रेजेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो जो मैंने बोला था, जो बायोमोलिक्यूल्स वाला हमारा चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स, उसके अंदर मैंने ये बोला था जो टेबल्स गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है हमारा, उसके अंदर एक टेबल गिवन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, अब वहीं से एज इट इज़ ये क्वेश्चन आया, और एक बार और इस टेबल से क्वेश्चन आ चुका है, तो वहाँ पे उसको जो वो वाला चैप्टर है उसके अंदर से टेबल ज़रूर करनी है। अब यहाँ पे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बताने हैं, तो वो हैं हमारे मॉर्फिन और रिक्सिन। जो हमारा मॉर्फिन होता है वो तो हमारा एल्केलॉयड है, और जो रिक्सिन होता है हमारा टॉक्सिन है। उसमें दो टॉक्सिन गिवन है, एक एब्रिन एक रिक्सिन, लेकिन प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन होगा वो दैट इज ऑप्शन नंबर वन। अब देखो यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज अकरिंग ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। जब फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब जो लार्वा वाला जो वीडियो कराया था उसमें बताया था ना किस तरीके से मेटामॉर्फोसिस होता है, पहले लार्वा स्टेज आती है और फिर उसका मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी अडल्ट फॉर्म बनती है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि जो अडल्ट फॉर्म होती है यानी मेटामॉर्फोसिस होता है, वहाँ पे कौन से चेंजेस हैं जो नहीं होते। लीवर स्टार सिक्रीशन ऑफ सीरम, हाँ लीवर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लार्वल रोडोप्सिन इज रिप्लेस्ड बाय अडल्ट पोरफायरोप्सिन इन आइस, ये नहीं होता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। और काफ़ी बच्चों के ना मैसेजेस आ रहे हैं कि बैच कब आएगा, बैच कब आएगा, तो सबको ये एक बार मैं बता देती हूँ कि बैच ना इस वीक में 100% आ जाएगा। बैच पे आपके तीन चैप्टर्स हो चुके हैं, मैं सोच रही हूँ दो चैप्टर और हो जाते हैं ना तब उस बैच को ओपन कर देंगे, ठीक है। और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन का टाइम भी मिलेगा, तो कोई भी मतलब वो वरी ना करें।
तो देखो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है एज इट इज़ अब की बार 2021 में आया था, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, जो टाइट जंक्शंस होती हैं उनको हम बोलेंगे जोनल एक्विलेडेंस और बेल डेस्मोजोन। ये जो 2021 वाला जो पेपर है जो मैंने अचीवर्स एकेडमी पे करवा रखा है उसमें ये क्वेश्चन वहाँ पे भी कराया है। फिर है एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोस्पोरस, मैंने बोला था जो हेट्रोस्पोरस फॉन्स हैं वहाँ से ज़रूर आता है, लेकिन यहाँ पे एक्वेटिक पूछा है तो हमारा एक्वेटिक होता है साल्वियनिया, ठीक है, बाकी ये हमारे हेट्रोस्पोरस फॉर्म ही होते हैं दोनों। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टाइप 3 इंट्रोन्स, जो हमारे टाइप 3 इंट्रोन्स होते हैं उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 3rd होगा, दीज इंट्रोन्स रिक्वायर एन एंडोन्यूक्लियस फॉर स्प्लाइसिंग, उनको एंडोन्यूक्लियस नहीं चाहिए होती। इंट्रोन्स हमारे क्या होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ये सब मोल बायो का क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स इज कॉमनली नॉन एज, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म्स का, देखो जो चैप्टर्स हम कर चुके हैं ना उससे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आप इजीली कर पा रहे होंगे, धीरे धीरे हम सारे चैप्टर कवर कर लेंगे। द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स, हमने देखा था जो एंजियोस्पर्म्स होती है उसमें फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर हमने किस तरीके से पढ़ा था, हमारा यहाँ पे एक एग सेल होता है, 2 इसके साथ हमारे सिनर्जिड होते हैं, ये हमारा एग सेल होता है, 2 इसके साथ हमने क्या पढ़े थे, हमारे सिनर्जिड होते हैं, बीच में हमने क्या पढ़े थे, इन दोनों को जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई थी इनको मिला के, 2 पोलर न्यूक्लियाई को मिला के हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस बन रहा था, और नीचे हमारे 3 एंटीपोडल सेल्स थे, ठीक है, ये हमारे क्या थे, एंटीपोडल सेल्स। तो इस पूरे ये पूरा हमारा क्या था, एम्ब्रियो सैक था, जिसको हमने बोला फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। कोलाजन अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मीट इज मेनली डाइजेस्टेड बाय विच स्टमक एंजाइम, अब देखो कोलाजन हमारा क्या होता है, ये हमारा एक प्रोटीन होता है, ठीक है, कोलाजन हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है। अब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन सी एंजाइम करती है, हमारी पेप्सिन, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पेप्सिन। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन पॉसिबली इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन डिजीज ऑफ ब्रेन डिज, ये भी हम कर चुके हैं, नहीं ये तो ऐप करा, ये हमारा एज इट इज़ वैसे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमारे प्रायोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये इन्फेक्शियस पार्टिकल है प्रोटीन्स के, जो हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनकी फोल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन पोरफायरिन, तो हमारे जो पोरफायरिन है हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, क्लोरोफिल का भी हमने जो मैंने प्रीवियस ईयर की एक वीडियो करवाई थी उसमें बताया था, उसमें हमारा फाइटोल टेल से आया था क्वेश्चन, तो उसमें मैंने बताया था जो क्लोरोफिल होता है उसकी जो रिंग होती है उसको तो हम बोलते हैं पोरफायरिन, और जो इसकी टेल होती है उसको बोलते हैं हम फाइटोल टेल, तो हमारा इन तीनों के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसका हमारा डज नॉट में आंसर आ जाएगा हीम एरिथ्रिन। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटल कोएंजाइम, ये अगेन प्लांट फिजियो से हमारा क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस से जब TCA में एंटर करता है तो वहाँ पे कौन सी एंजाइम है हमारी जो नहीं यूज होती, तो दैट इज डाइहाइड्रोल पॉलिल कार्बोक्सिलेज। फिर है वेब्रियन ऑसिकल्स प्रेजेंट इन कार्प्सिस, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है, जो हमारे वेब्रियन ऑसिकल्स क्या होते हैं, जो स्विम ब्लैडर को हमारे ऑडिटरी सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारी जो ट्रंक वर्टिब्री है उसके मॉडिफाइड प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट इज इकोलॉजी से क्वेश्चन है कि चैपरल क्या होता है, ये क्या है, वेजिटेशन डोमिनेटेड बाय श्रब्स, यानी जहाँ पे ज़्यादा झाड़ी वगैरह होंगी, या फिर स्मॉल या ब्रॉड एवरग्रीन लीव्स होती हैं। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन से हर बार एक, मतलब हर बार तो नहीं, 2 बार एक क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, द
द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 125. द प्लांट्स हुज बर्ड्स आर सिचुएटेड क्लोज टू द ग्राउंड सर्फेस, जो ग्राउंड सर्फेस के बिल्कुल क्लोज होंगी बर्ड्स को, इज कॉमन सीन इन, विच आर कॉमन इन हाई एल्टीट्यूड्स, जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड्स है उसको हम बोलते हैं कैम्योफाइट्स, अप टू 50 सेंटीमीटर अबव. और हमारे फेनेरोफाइट्स से भी एक बार क्वेश्चन आया, तो वो क्या होते हैं, ग्रोथ पॉइंट एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड. फिर है हमारा कोप्रोफेगी मीन्स, देखो जो एस्कोमाइसी, जो हमारी एस्कोमाइसीट्स है ना उसके अंदर ये गिवन है. जो कोप्रोफेगी का मतलब क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिजिस, और ये फिर हमारा 2021 में यूका यू क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी से ही है. ग्वानो द फिकल मीटर ऑफ बर्ड डज नॉट पोसेस, तो उसके अंदर सल्फर नहीं होता, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इफ एग न्यूक्लियस बिकम इनएक्टिव, अगर एग का न्यूक्लियस इनएक्टिव हो जाता है, देन ओनली स्पर्म न्यूक्लियस पार्टिसिपेट. अब देखो स्पर्म का न्यूक्लियस एक्टिव सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ एक्टिवेट है, तो स्पर्म हमारे जो मेल से रिलेटेड टर्म कौन सी है, एंड्रोजेनेसिस. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन डज नॉट प्रोड्यूस अमीनो एसिड एज यूनिवर्सल कोडोन, अब कौन सा कोडोन है जो एज अ यूनिवर्सल कोडोन हमारा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो जो हमारे स्टॉप कोडोन्स होंगे ना वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते, दैट इज UAG. और हमारा एक और होता है UGA और UAA, ठीक है. नेक्स्ट इज बॉटनिकल नेम ऑफ द पीट मॉस इज, जो पीट मॉस का बॉटनिकल नेम होता है स्फेगनम. देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटर ऑफ ETC, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसका इनहिबिटर कौन सा नहीं होता है, 2,4-dinitrophenol. द ओनली मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड्स दैट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम फोस्फेडेटिक एसिड इज स्फिंगोमाइलिन. अब देखो ये हमारा क्वेश्चन अगेन 2021 में एज इट इज़ आया हुआ था, यहीं से देख लो इस पेपर से ही हमारे 2 या 3 क्वेश्चन आ चुके हैं एज इट इज़. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिजल्ट ऑफ एन इनबॉर्न एरर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और मैंने वहाँ पे किस तरीके से ये याद कराया था कि न्यूक्लिक एसिड है, देखो N है तो N हमारा इसमें था, तो ये लुशनान-न्यान सिंड्रोम, ये हमारा कौन सा एरर है, न्यूक्लिक एसिड का. और जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन का है उसमें पीछे पी है, तो ये हमारा एब्जॉर्ब मतलब इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब प्रोटीन. फेब्रीज डिजीज़ कौन सी होती है, जहाँ पे हम अल्फा गैलेक्टोसाइडेज है वो नहीं बन पाता है. मैकआर्डल हमारी मसल से रिलेटेड है, ये M से मैकआर्डल और M से मसल, और वहाँ पे 2021 की जो वीडियो है उसमें भी ये क्वेश्चन हो चुका है. नेक्स्ट इज सिंगल रिकॉग्निशन पार्टिकल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, जो सिंगल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं 6 proteins and 300 nucleotide RNA. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर क्रेनियल नर्व्स डज नॉट एग्जिस्ट इन एनाएमनियोट्स, जो हमारे फिशेज और एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर कौन सा क्रेनियल नर्व का पेयर है जो नहीं होता, दैट इज स्पाइनरी एसेस्टल एंड हाइपोग्लोसल. तो मैं ये PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से PDF को ले सकते हैं. तो ओके, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.